हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे इतिहास से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव रूप में होंगे क्वेश्चन, ठीक है। वन डे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये सभी सॉल्व किए जा रहे हैं। तो 600 क्वेश्चंस तक अभी तक हम लोग देख चुके हैं। 601 बार क्वेश्चन हमें देखना था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म, जो सिख गुरु थे, इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा छठवा, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? जो सिख धर्म था, इसका संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये थे आपके गुरु नानक, गुरु नानक। क्वेश्चन है हमारा तीसरा, बंगाल और उड़ीसा मैं वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? यानी कि बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को ले जाने का या लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? ये है आपके चैतन्य। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है चार, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो ये थे आपके गुरु तेग बहादुर। कौन थे? गुरु तेग बहादुर। क्वेश्चन है पांचवा, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। ये पाई जाती हैं आपकी फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन है हमारा छठवा, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित थे? यह है आपका हम्पी में, विट्ठल मंदिर आपका हम्पी में। ठीक, बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे? रामानुज आचार्य। क्वेश्चन सात में आपका ये है। क्वेश्चन है आठ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। ए ऑप्शन सही है। बात करते हैं नौवें क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। क्वेश्चन है हमारा दस, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो ये था वरुण। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 11, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह आपकी ईरान से। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 12, ऋग्वेद में अघन्न शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए, क्योंकि ऋग्वेद के समय गाय बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर माना जाता था, ठीक है, पशु। इस समय लड़ाइयाँ भी होती थी गाय के लिए। क्वेश्चन है 13, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से? क्वेश्चन है हमारा 14, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो ये थे नंद, नंद वंश। क्वेश्चन है हमारा 15, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? क्या पूछ रहा है? नहीं थी तो मगध में नहीं थी, कुशी नगर की मल्ल, वैशाली की लिच्छवी, कपिलवस्तु के शक, इनमें थी, लेकिन सी ऑप्शन होगा इसमें। 15 में क्या होगा? सी मगध। 16 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा।
क्वेश्चन है हमारा 18। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा व्यवहारिक संबंध स्थापित किया गया? तो ये थे आपके बेंगी के चालुक। क्वेश्चन है हमारा 19। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। क्वेश्चन है 20। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो ये था आपका इल्तुतमिश। इक्कीसवां क्वेश्चन है, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन थी? रत्ती। क्वेश्चन है हमारा 22। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे नानक। क्वेश्चन है हमारा 23। आदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? बंगाल में। क्वेश्चन है हमारा 24। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकर देव को। असम का चैतन्य शंकर देव को कहा जाता है। क्वेश्चन है 25। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। क्वेश्चन है हमारा 26। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? तो ये थे अबुल फजल। क्वेश्चन है हमारा 27। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए? तो ये थे आपके कछवाहों से। अट्ठाईस। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था बिहार। उनतीस क्वेश्चन। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन। तीस क्वेश्चन। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे? कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य, कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के महासचिव नहीं थे, कुछ भी नहीं था, कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे। ठीक है, सी ऑप्शन है इसमें। क्वेश्चन है हमारा 31। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन है 32। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो ये था आपका 385 के करीब। क्वेश्चन है हमारा 33। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1923 में। क्वेश्चन है हमारा 34। कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? गुरुदयाल सिंह ढिल्लो हैं, आरसी दत्त नहीं है,
शहनवाज खान है और जनरल मोहन सिंह है, तो इसमें आपका बी होगा, आरसी दत्त। क्वेश्चन है 35, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? सी राजगोपालाचारी, भारत के थे पहले, ठीक। भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन है हमारा 37, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। क्वेश्चन है हमारा 37, 38, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 39, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह ने। क्वेश्चन है 40, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इकतालीस क्वेश्चन है हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन थे? तो ये थे आपके इकबाल साहब थे, इकबाल। इसमें छपा नहीं हुआ, गलती हुई हुई, इकबाल, सॉरी इकबाग नहीं, इकबाल। माउस भी बड़ा अच्छा काम देता है, एक बार। मुझे लगता है सबसे कंप्यूटर में उपयोग होता है, अगर कंप्यूटर स्क्रीन को छोड़ दे, मॉनिटर को छोड़ दे, सीपीयू को, तो आपका माउस सबसे ज़्यादा यूज होता होगा, लिखने में कुछ भी काम करिए फटाफट हो जाता है। तो कौन थे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार? इकबाल साहब, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 42, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? सी एफ एंड्रयूज। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 43, क्या है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। अब आपको बताना है महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी, इतना तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी। क्वेश्चन है 44, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन है हमारा 45, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो ये थे अबुल कलाम आजाद साहब। क्वेश्चन है हमारा 46, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? ओ डायर ने। क्वेश्चन है हमारा 47, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल साहब। क्वेश्चन हमारा 48, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? तो ये आपके थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन है हमारा 49,
वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। क्वेश्चन है हमारा 50, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में हुआ प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में हुआ था। क्या हुआ था? ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 51, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 52, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी NSN बनर्जी साहब ने। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 51, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? महात्मा गांधी ने, B.R. अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। गलत है, क्योंकि इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इसमें सब क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है हमारा 54, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो ये थे आपके महात्मा गांधी साहब। आप लोग बताइए कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था, किस सन में हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है हमारा 55, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये थे आपके वल्लभ भाई पटेल। 55 में आपका बी। क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो ये था आपका बारदोली का सत्याग्रह। 56 में आपका सी है। क्वेश्चन है हमारा 57, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो ये आपका अहमदाबाद, गुजरात। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 58, त्रिपुरा संकट की समाधि के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन है हमारा 59, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने ये सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसे समाप्त कर दिया जाए। क्वेश्चन है हमारा 60, भारतीय मुसलमानों के पृथक राष्ट्र राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो थे आपके चौधरी रहमत अली। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 61, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? चित्रा है इनकी, चित्तंगदा है, कपाल कुंडला नहीं है इनकी। तो क्वेश्चन नंबर 61 में आपका होगा सी। क्वेश्चन है 62, भारत में जब किप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपको याद रखना है लॉर्ड लिनलेथगो। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 63, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार, 1924 में। क्वेश्चन है हमारा 64, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। बात करते हैं 65 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? B.R. अंबेडकर। कौन थे? B.R. अंबेडकर।
क्वेश्चन है हमारा 66। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था चर्चिल। क्वेश्चन है हमारा 67। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा विकसित पत्रिका का नाम था? इंडियन ओपिनियन। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 68। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये थे आपके लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन है हमारा 69। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इनके पास था खाद्य व कृषि विभाग। क्वेश्चन है हमारा 70। कवि इकबाल इकलाब जिन्होंने सारे जहां से अच्छा गीत लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित थे? ये थे आपके पंजाब से। क्वेश्चन है हमारा 37। 71वां क्वेश्चन है 71वां। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी? 6। 6। बहत्तर क्वेश्चन। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी जी ने? क्वेश्चन है 73। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों का जलाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो ये थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर साहब। क्वेश्चन है हमारा 74। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? 1915 में। क्वेश्चन है 75। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था आपका हरिपुरा में। क्वेश्चन है आपका 76। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारी जीवन से प्रकाश चला गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन है 77। फीनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? तो ये थे आपके महात्मा गांधी। क्वेश्चन है 78। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन है 69। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? थे आपके महात्मा गांधी। क्वेश्चन है हमारा 80। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में। क्वेश्चन है हमारा 81। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर में। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 82। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा आपका डी। 82वें क्वेश्चन में आपका डी होगा।
क्वेश्चन है हमारा 83। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियावाला बाग हत्याकांड के बाद। क्वेश्चन है 84। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। पचासी। वह व्यक्ति जिसने अप्रैल को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे थे आपके स्वामी सिद्धानंद। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 86। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ये पहले भी देख चुके हैं, इनमें से सभी ने। हिंदू महासभा ने नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने। इनमें से सभी होगा, क्या होगा? डी ऑप्शन। एक मिनट रुक जाइए, इसमें आपका हिंदू महासभा ने नहीं किया था, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी है, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी। इसमें इनमें सभी होगा, ठीक है। तो पिछले हम लोगों ने क्वेश्चंस देखा था आपको कि इसी तरह का क्वेश्चंस था, तो उसमें मिसप्रिंट था, ठीक है, तो उसमें डी सही था, लेकिन उसमें क्या था, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से सभी वहाँ मिसप्रिंट हो गया होगा, तो आपको याद रखना है डी ऑप्शन होगा 86 में। क्वेश्चन है हमारा 87। क्या है? गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? जेबी किपलानी साहब। क्वेश्चन है हमारा 88। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन है 89। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक को। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 90। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन है हमारा 91। इनाम भूमि किसे दिया जाता है? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। क्वेश्चन है हमारा 52। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी? रजिया सुल्तान। क्वेश्चन है हमारा 93। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो ये थे आपके अलाउद्दीन खलजी। क्वेश्चन है हमारा 94। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ये आया था आपका मोरक्को से। क्वेश्चन नंबर 94 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है हमारा 95। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो ये थे आपके बालाजी विश्वनाथ। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 96। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था? सुमंत। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 97। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? औरंगजेब ने। क्वेश्चन है हमारा 98। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? अंग्रेज। क्वेश्चन है हमारा 99। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। क्वेश्चन है हमारा 700।
शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। तो चलिए ये थे आपके 700 क्वेश्चंस तक, 701 से हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक।